Hi everyone and welcome back to channel for yet another super duper awesome video. And aaj guys is particular box ki unboxing hone wali hai, detailed unboxing. So ye box abhi ab ulta hai, lekin aap phir bhi isko padhna chaho to pad sakte ho. Guys, ye hai Eureka Forbes ka ek HP 500 model number ke sath ka air purifier. And haan, Delhi ke badhte pollution ko dekh ke ye final decision maine le liya ki haan bhai, hame bhi ek air purifier ki need hai. So ab iska guys bada ek raw sa unboxing experience dekho, fir main guys aapko overview deta hu ki mujhe ye kaisa laga and iske functions, jo bhi basic functions hai wo kya kya hai, kyunki unboxing Eureka Forbes के ही पर्सनल ने की थी, मैंने नहीं की. देव सर, आपके लिए टॉय नहीं आया है. अभी दादी के लिए आया है. फर्स्ट ऑफ गाइस, आपको मैं एक बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ. ये काफ़ी बड़े साइज का बॉक्स है एंड इसके ऊपर सबसे पहले तो एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा बनाया हुआ है. एंड यहाँ पे कहीं चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ. फोर्ब्स सिलेक्ट HPA 500 का मॉडल है. फॉरगेट द स्वाइन फ्लू स्केयर, ब्रीथ द प्योर एयर. एंड यहाँ पे कुछ सिम्बल्स वगैरह बनाए हुए हैं. और ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू का वायरस है उससे रेजिस्टेंस है. इसका जो हेपा फिल्टर है, इसमें बेसिकली पाँच तरह के फिल्ट्रेशन है प्लस कुछ दो टेक्नोलॉजी भी हैं जैसे कि आयोनाइजर एंड UV लाइट एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन भी है. आप देखो यहाँ पे 9 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन है, 5 ईयर्स की वारंटी है यहाँ पर. एंड कितना एरिया कवरेज है, दिस इज द 893 स्क्वायर फीट विच इज़ प्रीटी सॉलिड. PM2.5, देन देयर इज रिमोट कंट्रोल विद दिस थिंग एंड हेल्दी एयर, प्योर एयर. एंड अब इस साइड पे देखें तो इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, वही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है. एंड ये गाइस इसके अंदर जो फिल्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से है एंड ये आपस में स्टैक किए गए हैं. सो आप पढ़ना चाहते हो इन फिल्टर्स के बारे में तो पढ़ सकते हो, क्योंकि अनबॉक्सिंग में ज़्यादा डिले नहीं करूँगा मैं. सो ये सारी डिटेल्स हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो. पॉइंट तो आपके पीछे ही, पहले एक बार वो फिल्टर के पैकेट वगैरह तो खोलने पड़ेंगे ना. किस चीज के लिए वीडियो बना रहे हैं? वीडियो बस अपने लिए. अच्छा, कोई प्रॉब्लम ना हो ना. इसको दबा के कभी प्री फिल्टर कितनी देर बाद चेंज होते हैं? डस्टिंग कम है, दो साल चलेगा. डस्टिंग पे निर्भर करता है ना, कहाँ पे अब जैसे मेन रोड पे रहता है तो रहता तो 6 महीने में भी चौक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है. हाँ, ठीक है. सो सबसे पहला है गाइस H1N1 हेपा एंड एंटी बैक्टीरियल फिल्टर. ये तीन फिल्टर को अब सैंडविच बनाया हुआ है. एंड दूसरा है गाइस एक्टिवेटेड कार्बन एंड कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर. इसका वेट देखो कितना, तो कार्बन भरा रहता है, मेटल्स रहता है इसमें. लेकिन सर कभी भी जो लगाएंगे ना ये बाहर रहना, ठीक है? इसमें भी ऐसे कभी मैं तरह का हाँ बता रहा था, आप जो वीडियो बनाएंगे उससे जल्दी नहीं समझेंगे, जो हम समझेंगे वो समझेंगे. तभी तो बना रहा हूँ, याद रहे. ये देखिए, ये जो है ना ऐसे रखिए, ठीक है? तो इसमें वो वैक्यूम से कौन सा वाला साफ हो सकता है? सब वैक्यूम से ही साफ होगा. जैसे ये भी जो है ना स्लो मोड पे वैक्यूम से अच्छा जो है सक करना है. अब लोअर भी कर देंगे तो बीच का जो डस्ट रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से भी साफ कर सकते हैं. नहीं, गीले कपड़े गीला कपड़ा नहीं, बस वैक्यूम एयर से.
मतलब सकिंग जो है ना, इधर से ब्लोअर मार दिए, इधर से जो है तो सक कर दिए, क्योंकि इधर का डस्ट इधर आ जाएगा, इधर से भी फिर ब्लोअर मार के इधर से भी सक कर लेंगे। ये हेपा टाइप फिल्टर है इसके अंदर, ये लंग्स फिल्टर है, ठीक है, ये H1N1 का है, इसी में रहता है। ये वाला तो पानी से भी धो लो, ये तो पानी से भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाल है। ये तो दवा के ही लगेगा और ये दवा के ही चलेगा, ठीक है सर, ठीक है। नीचे से पूरा नहीं लगा, सब लग जाएगा सर, ठीक है सर, लग गया, ठीक है। अब खुलेगा कैसे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा दबा देना है, ठीक है, तो सेंटर को दबाओ, हाँ सीधा उल्टा दबा देना, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लग गया, यही है, ठीक है, उठाने के लिए यहाँ से हैंडल, ठीक है, तो ये हवा यहाँ से ही लेगा और यहाँ पे ब्लो करेगा, ठीक है, सक्शन इधर से होगा, हाँ इधर से थोड़ा मोड़ा होगा, नहीं तो इधर से होता है सक्शन, ठीक है, अब ब्लो इधर से करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं रिमूव करता, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऑन कर दिया, फिर यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑन कर दिए, ठीक है, बीटा आयन स्लिप मोड, ठीक है, ये आयन है, ये क्या करता है, जो पॉजिटिव डस्ट होता है ना उसको सेटल करता है, ठीक है, मतलब नीचे ला जाता है, क्योंकि निगेटिव पे जो ही पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव पे जो ही नेगेटिव जाएगा तो वेट हो जाता है, जैसे धूल उड़ रहा है, पानी छीड़ दो तो बैठ जाता है कि नहीं, तो यही काम इसका है। अच्छा, तो ये क्या करता है, फ्रेशनेस देता है, फ्रेशनेस देता है, तो रात को जो है इसको थोड़ी देर के लिए चलाएं, जब सोने लगे तो बंद कर दीजिएगा, नहीं तो नींद नहीं होगा, बार बार नींद खुलने का चांस होता है। अच्छा, क्लियर, ठीक है, क्योंकि फ्रेशनेस, जैसे हम लोग पार्क में क्यों जाते हैं, फ्रेशनेस ताजगी हो जाता है, नींद खुल जाता है, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। स्लिप मोड, जैसे ये जो है ना साइलेंट मोड में रहेगा, जब कितना भी स्पीड रहेगा तो ये मशीन चल तो रहा है, देखिए लाइट भी बंद हो गया, स्लिप मोड में लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, स्पीड बढ़ाना हो निकले, मेन तो ऑटो पे रखे तो वही सबसे बढ़िया ना, हाँ ऑटो पे भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं जैसे जल्दी करना है थोड़ा पूरा घर को, तो मतलब स्पीड बढ़ा के कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आए तो अभी खाना बन रहा है ना, इस वजह से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है सर, अब मैं निकलता हूँ सर, हमें थोड़ा एचपी ब्लॉक में, ठीक है, वो मशीन दिलवा दो, मैं आपको पेमेंट कर दूँ। सो गाइस, ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट काफ़ी डिसेंट लग रहा है अभी, एंड अभी जब इसे ढंग से यूज़ कर लेंगे दो चार दिन या एक हफ्ते के बाद, मैं आपको इसका वर्डिक्ट काइंड ऑफ देने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये कितनी फिल्ट्रेशन कर पा रहा है, एंड फिर आपको इसकी फिल्टर्स की कंडीशन भी दिखाऊंगा, कोशिश करते हैं कि विद इन अ मंथ ये सब चीज़ें कवर अप करें। एंड गाइस, अगर आपको इसके और फंक्शंस के बारे में जानना होगा, जो भी इसके कंट्रोल पैनल पे फंक्शंस दे रखे हैं या हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, कोई और डिटेल चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अभी अपना ही है तो इसके ऊपर जितने मर्जी वीडियोज़ हम बना सकते हैं, जितनी भी डिटेल, एंड आज का वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी ये सब काम होने वाले, एंड फिर बाद में रहेगा गाइस इसका एक रिव्यू, एंड इसकी वेबसाइट के वेबसाइट ने बेसिकली इसके जो यूजर मैनुअल है मैंने रखा है, अभी मैं उसे पढ़ रहा था आराम से बैठ के, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको ओवर थोड़े दिनों के बाद एक बारी वैक्यूम से इसका जो लंग फिल्टर है, जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था, उसको आप थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हो, तो उससे उसकी लाइफ थोड़ी बहुत एनहांस हो सकती है, लेकिन हाँ कि थोड़ी बहुत ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक दिस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट ऑन द चैनल, एंड प्राइस एंड पॉइंट की बात मैंने शायद करी नहीं, सो मैं बताया था इसका MRP का 20,000 है और मैंने नेगोशिएट करके, एंड प्रॉब्लम ये है ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट यूरेका फोर्ब से ही लेना पड़ता है ये वाला HP 500 मॉडल जो है, एंड नेगोशिएट करने के बाद मुझे 10% डिस्काउंट मिला था जो कि 18,000 पे सेटल हुई, एंड 18,000 के हिसाब से डिसेंट है क्योंकि इसमें डिस्प्ले है, रिमोट है, एंड अच्छा लगता है थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा है, बाकी कोए वगैरह भी मैं नोटिस कर रहा था, बट कोए का इसमें एक रीज़न ये है कि उसका जो फिल्टर है वो थोड़ा छोटा है, उसका एरिया ऑफ कवरेज इज लेसर देन दिस, तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है, और उसके अंदर डिस्प्ले नहीं आता, खाली एक LED लाइट आती है जो कि आपको बताती है कि AQI कैसा है, इसके अंदर AQI बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा आता, सो अभी यूज करेंगे तो उसके बाद ज्यादातर डिटेल में आपको दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑन टुडेज वीडियो गाइस, एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड गाइस एक बार चैनल को देख लेना, लाइफस्टाइल चीजें बहुत सारी हैं, अपनी फैमिली भी है, घूमना फिरना भी है, बहुत कुछ है, सो आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू, बाय।